हिमाचली प्रदेश सरकार ने चुनावी बयान में प्रदेश के विधायकों व पूर्व विधायकों पर फिर से नए तोहफे से नवाजने के मामले को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस वर्ग को लीज पर जमीन देने के मामले को स्वीकृति दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक शिमला एयरपोर्ट के समीप नए विधायकों ने इस बाबत 30 बीघा के लगभग जमीन भी देख रखी है, जिससे पहले दो बार मौजूदा सरकार के ही कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का प्रदेश कांग्रेस सेल के प्रदेश महासचिव और समाजसेवी संजय शर्मा ने अपनी सरकार को हिक्कट घरे में खड़ा कर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधायकों के लिए मकान और जमीन का प्रबंध तो कर दिया है और उन्हें गरीब साबित किया है। संजय ने व्यंग्य करते हुए कहा कि ऐसे में अब उनको इस सस्ते राशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए विधायक रिलीफ फंड का भी प्रावधान सरकार करे। संजय ने इस दौरान विधायक पक्ष के नेता और प्रदेश के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए राशन भी भेजा। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश के गरीबों की कोई चिंता नहीं है और लोग गरीबी में मर रहे हैं और सरकार विधायकों को ही सारी सुविधाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष और सरकार के लोग आए दिन एक दूसरे का पुतला फूंकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने फायदे की तब विपक्ष भी मुंह नहीं खोलता। उन्होंने कहा कि लोगों से जन सहयोग की अपील की जाएगी और जो धन राशि जमा होगी उससे समय समय पर राशन विधायकों को कुरियर कर भेजा जाएगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था, देखिए पिछले कल आज की जो हेडलाइन थी न्यूज पेपर की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उसमें कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि अपने विधायकों को, पूर्व विधायकों को, वो लोग जमीने और सस्ते दर पर फ्लैट या मुफ्त में फ्लैट मुहैया करवाएंगे। तो उसी मुद्दे पर हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। तो क्या ये आपने दालें रखी हैं, बाकी तेल रखा है, सभी चीजें जो है खाने पीने का सामान रखा है, क्या मकसद है इसका? देखिए जी, इससे मकसद हमारा ये है, जब सरकार खुद ही डिसाइड कर चुकी है कि उसके जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो उस चीज के लिए एलिजिबल हैं कि भैया गरीबी उसमें आते हैं और उनको मकान और जो जमीन है वो सस्ते दर पर या मुफ्त में जरूरत है, तो नेचुरली जब उनको मकान की जरूरत थी, मकान की जरूरत जो सरकार ने पूरी कर दी, तो हम देखते हैं कि जैसे विकास में जन सहयोग योजना है सरकार की, ठीक उसी तरह से राशन में जन सहयोग विधायकों के लिए, राशन में जन सहयोग से विधायकों के खाने पीने के महीने का राशन का प्रबंध भी कर दिया जाए। तो ये आपको राशन कैसे भेजें? थ्रू कोरियर करेंगे।